हो जाती है जो सवालों को सामने खड़ा कर। तो मीडिया के सामने जो सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि मीडिया को लगातार पूंजीपति बड़े बड़े घराने और सत्ता के मतलब गरीब वाले लोग उनको लगभग खरीद चुके हैं, इसलिए सच जनता के सामने बिल्कुल नहीं आ रहा है। और मीडिया की जो सबसे पहली जो भूमिका होती है कि सच को सामने रखें, यही बात का जो संकट है। इसलिए आज ये वक्त आ गया है कि जो छोटे अखबार है तो छोटे अखबार चलाने वाले इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। और मैं ये देख रहा हूं कि छोटे अखबार अब अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि इन पर इस तरह का अंकुश नहीं। मीडिया में हम लोग जब पत्रकारों को देखते हैं, पत्रकारों के सामने जो एक नया जो संकट आ गया है, पहले जो पत्रकारों की एक लेगेसी होती थी, चाहे हम लोग को फ्रीडम स्ट्रगल से ले ले, जितने बड़े हमारे नेता हुए लगभग ये सभी पत्रकार भी थे, तो इनके सामने जो ये कभी डिगे नहीं। लेकिन आज के सामने जो आज का जो सबसे बड़ा जो सवाल पत्रकार के सामने है, पत्रकारों ने सत्ता से सवाल करना बंद कर दिया, सवाल ही नहीं करते। और अगर पत्रकार सवाल नहीं करेगा तो पत्रकार की जो भूमिका है वो संदिग्ध हो जाती है। तो पत्रकार को जब सवाल करना चुनौती भरा सवाल है, चाहे आपके सामने, और पत्रकार का वो जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो प्रश्न करे, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सवाल करे और सवाल का हमें जवाब मिलना, ये भूमिका ये होती है। तो हमारी अपेक्षा है कि मुशर्रफ शमसी जैसे लोग सवाल करने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि सवाल जो करता है उसके सामने चुनौतियां होती है, चैलेंजेस होता है, और सवाल करने में बहुत सारे खतरे लाक होते हैं, और इस खतरों को पत्रकार इससे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक बात है कि इसे हिंदी में कहते हैं जन संचार माध्यम। धीरे धीरे ये भी देखा जा रहा है कि अखबार और जो मीडिया वाले जो लोग हैं ये मात्र संचार बन के रह जा रहा है, उससे जन धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, जन मतलब जनता गायब होती जा रही है। तो अब वक्त यह आया है कि जनता को इसके साथ में कैसे जोड़ा जाए। दूसरी बात, मैं अभी हमारे कॉमरेड चक्रवर्ती से मैं चर्चा कर रहा था, एक नया ट्रेंड हमारे समाज में आजकल चल पड़ा है, ब्रांडिंग का ट्रेंड। आजकल ब्रांड को खड़ा किया जाता है, आप देखिए चाहे वो पानी का हो, कपड़े का हो, हर तरह का ब्रांड आपके सामने खड़ा किया जाता है, वो चाहे पत्रकार हो या कोई भी हो, आपके सामने वो ब्रांड खड़ा किया जाता है। ब्रांड से फिर जनता की अपेक्षा होती है कि उससे वो क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव करें। तो मैं ये भी देखता हूं कि जब जब किसी पत्रकार को या किसी तरह को सम्मानित किया जाता है, या किसी को अवार्ड दिया जाता है, या किसी को एक्नॉलेज किया जाता है, तो मैं इसे भी एक तरह की ब्रांडिंग मानता हूं। अब यस, ब्रांडिंग मानता हूं, लेकिन साथ साथ में ब्रांडिंग ठीक है, लेकिन ब्रांडिंग का हम उसका इस्तेमाल एज ए टूल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुशर्रफ शमसी को आज अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसको इस प्लेटफॉर्म का वो जरूर इस्तेमाल करेंगे और अपनी बात और अपनी सच्चाई की बात जरूर रखेंगे। दूसरी बात, मैं अब इनके पत्रकारिता पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। मैंने देखा कि लगातार शमसी साहब तिरछी आंख बहुत सालों से निकालते आ रहे हैं, और लगातार बड़ी कमिटमेंट के साथ में ये कोशिश रहती है कि लोग उनके अखबार को पढ़े, लोगों को खुद जाती तौर पर अखबार को पहुंचाते हैं। पिछले दिनों इन्होंने उर्दू पत्रकारिता में कदम रखा, उर्दू से पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन उर्दू पत्रकारिता में भी वो ऐसे सवालों को छू रहे हैं, ऐसे सवालों के करीब जाने की वो जरूरत दिखा रहे हैं। मैं जिस तरह से आम उर्दू पत्रकारिता में ऐसे सवालों को कालीन के नीचे दबा दिया जाता है, उसको छूने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस बात की आपको दाद दूंगा शमसी साहब कि आप ऐसे सवालों को समाज के सामने खड़े रखते हैं। पत्रकारिता का काम निर्णय देना नहीं, फैसला करवाना नहीं है, उसका काम है जनता के सामने सवालों को रखना। शमसी साहब ऐसे सवालों को खड़े करने में कामयाब है, और मैं भविष्य में भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप किसी तरह से सवाल जनता के आप सामने खड़े करेंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बिल्डर माफिया की चुनौतियां हमारे सामने हैं, जनता की चुनौतियां सामने हैं। इन सारे सवालों को नेताओं के सामने, सत्ता के सामने, समाज के सामने खड़े करेंगे, और इसी तरह से समाज में परिवर्तन आएगा, यही आपसे अपेक्षा है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।